Don't forget me after you become famous. Control with them. देख भाई मेरी बात सुन, एक मिनट, तेरा नाम क्या है? रोल 3 एक्सक्लूनेटर 296। अबे ये कैसे कैसे तो नाम लोग रखते हैं अपने कमेंट सेक्शन में। कंट्रोल विद देम। खैर जो भी हो, तो सुन भाई, मैं अपने हर सपोर्टर को याद रखूंगा, पर याद रखने के लिए ना पहले फेमस होना पड़ेगा। फेमस होने के लिए ना वीडियो वायरल जानी चाहिए, वायरल जाने के लिए व्यूज आने चाहिए, और वो व्यूज तुम लोग नहीं दे रहे हो मुझे। मेरे इस वाले वीडियो में 3K व्यूज आए थे, और उसकी अगले ही वीडियो पे मेरे आए। ऐसे करोगे तो वो थोड़ी ना फेमस होऊंगा मैं। यार इसमें गलती शायद से मेरी ही है, मैंने बाकी फेमस यूट्यूबर के तरह अपनी पिछली वीडियो के वायरल जाने के बाद उसका सेकंड पार्ट नहीं बनाया। चलो कोई बात नहीं, हम इस अपनी गलती को फिर सुधारेंगे बाय मेकिंग इंडियन यूट्यूबर इनटू देयर चैनल लोगो पार्ट सेकंड। एक्सक्लूनेटर भाई गुस्सा मत हो जाना, मेरा गुस्सा सिर्फ सार्केज्म में था। खैर तुम्हारे लोगों से पता चलता है कि तुम एक गेमिंग चैनल हो, तो आज हम जिन यूट्यूबर को उनके चैनल लोगों में बदलेंगे वो होंगे इंडिया के पबजी क्रिएटर्स। मेरा मतलब सिर्फ पबजी नहीं, वो लोग और भी गेम खेलते हैं। तो पहला यूट्यूबर जिसको हम लोगों में कन्वर्ट करेंगे वो है मॉर्टल। ये वाला नहीं, ये वाला। तो नमन का लोगो है ये, जो आई गेस एक पबजी का कैरेक्टर है। तो मैं लोगों भी फोटोशॉप पे ले आया हूँ, तो लोगों की जैकेट के लिए मैंने यूज कर रहा हूँ मिलिट्री टैक्टिकल जैकेट। इस जैकेट को पहले लोगों के हिसाब से सेट करेंगे, इसका बैकग्राउंड हटाएंगे, साथ साथ में इसके हाफ स्लीव्स को भी हटाएंगे क्योंकि लोगों में ये हाफ स्लीव है। नेक्स्ट अप इस जैकेट को जिप अप करेंगे, इस जैकेट और इसके अंदर जो टी शर्ट है इसका कलर भी लोगों के कलर से मैच करेंगे। नेक्स्ट ये लोगों पे जो हेलमेट है ये नॉर्मल टैक्टिकल गियर हेलमेट जैसा तो नहीं लगता, इस लोगों से मिलता जुलता हेलमेट मैं यूज करूंगा ये वाला। नेक्स्ट हम ऐड करेंगे ये काउबॉय हैट, जो पता नहीं नमन भाई को हेलमेट के ऊपर हैट पहनने की क्या जरूरत है, ऐसे काउबॉय फैन है। हैट को भी हम एडजस्ट कर देंगे। नेक्स्ट बारी है बैग स्ट्रैप की, जो कोई कह रहा है स्कूल का बैग नहीं, पबजी का लेवल 3 बैग। तो नमन भाई के हाथों के लिए मैं यूज करूंगा ये मस्कुलर फोर आर्म की इमेज, बिकॉज व्हाई नॉट। बात आती है जो एक गन की, तो ये गन को मैंने नेट में सर्च किया, ये कोई रशियन गन है, और नमन भाई रशियन। तो गन को भी हमने फोटोशॉप में एडजस्ट करके लगा दिया। अब बारी आती है ग्लव्स की, इसमें भी मैं टैक्टिकल ग्लव्स यूज करूंगा। और थोड़े और कलर करेक्शन और एडिटिंग एडजस्टमेंट करने के बाद हमारा पहला लोगो रेडी है। अब मैंने इस लोगो का एक अल्टरनेटिव वर्जन भी बनाया जिसमें मैंने नमन भाई के हेड को यूज किया था, और वो है ये। कमेंट सेक्शन में बताना तुम्हें कौन सा वर्जन ज्यादा अच्छा लगा। नेक्स्ट लोगो मेरा गला। अगला लोगो होगा इंडिया के सेकंड मोस्ट सब्सक्राइबर काउंट वाले यूट्यूबर। भुवन भाई मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, एक तो तुम्हारे फैंस ने अलग रोना है, मैं बात कर रहा हूँ टोटल गेमिंग AKA अज्जू भाई। टोटल गेमिंग का लोगो है ये, जो एक पायरेट कैरेक्टर का है, एंड आई गेस ये भी पबजी का ही कैरेक्टर है। वाइल सर्चिंग फॉर द रेफरेंस मुझे एग्जैक्ट बॉडी पोस्चर का पायरेट का इमेज मिला। इसके लेफ्ट आई में आई पैच है, तो मेरा एक काम आसान हो गया। ये बंदे का चेहरा बैटमैन से मैच नहीं कर रहा है। पिछले लोगों की तरह हम भी इसे रिफाइन करेंगे, इसमें अनवांटेड जो चीज है पार्ट्स उनको हटाएंगे, और इसके आंखों को भी एडजस्ट करूंगा जैसे ये सामने देख रहा है। अब बात करें इसके बियर्ड की, तो लोगों में एक मैस्कुलिन पायरेट बियर्ड है और हमारा कैरेक्टर एकदम चिकना है, तो मैं एक अनदर बियर्ड का इमेज इसके ऊपर पेस्ट करूंगा, एडजस्ट करूंगा, क्रॉप आउट करूंगा। बियर्ड की वजह से जो शैडो लिप्स पे बनेंगे उसे भी बनाएंगे। बस जरा बियर्ड हटा के देखो तो रॉन्ग डिसीजन भाई, बियर्ड वापस लगा लो। अगली बारी है इसके गमछे की, मेरा मतलब स्कार्फ एडजस्ट करके हमारे कैरेक्टर को पहना देंगे। वो में जो अगली चीज है वो है इसका पायरेट बेल्ट, इसको भी हम अलग से रेफरेंस लेंगे और फिर ट्रैप टूल की मदद से इसे एडजस्ट करेंगे। अब अगली बारी है बुलेट स्ट्रैप बेल्ट की, जो लोगों के अंदर तो बुलेट तो नहीं है, लेकिन इसे मैं थोड़ा और बैडएस दिखाने के लिए बुलेट्स को ऐड करूंगा, इसे भी पपेट ट्रैप करके एडजस्ट कर देंगे। अब हमारा पायरेट तो रेडी है, लेकिन अब इसको बनाना है कैप्टन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उसका हैट, जिसके लिए मैं यूज करूंगा ये वाली इमेज। इसको भी क्रॉप आउट करके और पपेट रैप करके एडजस्ट कर देंगे। अब देखो लोगो में जो हैट है उसके सेंटर में एक स्कल का लोगो है जो हमारे इस हैट में नहीं है, तो इसके लिए हम एक सेपरेट स्कल पैच को यूज करेंगे और उसके कलर को इससे मैच करेंगे। थोड़े और एडिट और कलर ग्रेडिंग करने के बाद हमारे अज्जू भाई का लोगो भी रेडी है। इस
इसके अंदर भी मैंने लोगों से मैच करता हुआ एक ब्राइट येलो स्ट्रोक बनाया है और मैंने फॉन्ट ऐड किया। नॉर्मल सॉलिड कलर करने की जगह मैंने इसमें कॉन्क्रीट का टेक्सचर दिया है और टोटल के ऊपर मैंने ऐसे इफेक्ट दिया है कि ये ब्राइट लावा जैसा दिख। होप तुम्हें अच्छा लग रहा हो। अब देखो गाइज, मैं नमन के तरह इस लोगों में भी अज्जू भाई का फेस दिखाना चाहता था, लेकिन अज्जू भाई तो ने तो अभी तक अपना फेस रिवील ही नहीं किया। एक तो पता नहीं यूट्यूबर्स का क्या फैटिस है अपने चेहरे पर छुपाने से। बोल कौन रहा है। तो चलो इसी के साथ हमारा सेकंड और फाइनल लोगो भी कंप्लीट हो चुका है। अब देखो यार, मैं इसका थर्ड लोगो भी बनाना चाहता था, लेकिन तुम्हें एक बात पता है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बिजली, जो मेरे घर में जो चली गई। मैं रात में एडिट कर रहा था और ये चीज चली गई। पता नहीं इसका नाम शायद सिमरन है और इसके राज ने इसको बुलाया इसलिए चली गई। मिला के ये बात है कि इस बिजली के कटने की झंझट के चक्कर में मेरे सिर्फ दो लोगो ही बने थे और मैंने ये डिसाइड किया कि लास्ट के लोगो पे अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है इन दो लोगों पे ही वीडियो बनाऊं, जो मैंने किया। अब देखो इन दो लोगों को भी मैं इनके क्रिएटर्स तक भेजना चाहता था, लेकिन मेरे पिछले अटेम्प्ट से मुझे ये चीज तो पता चली है कि इंस्टाग्राम मेरा इन्फ्लुएंसर्स तक पहुंचने देगा नहीं। तो अब गाइस तुम लोगों के हाथ में ही है, इस वीडियो को जितना ज्यादा हो शेयर करो ताकि कोई ना कोई यूट्यूबर तो इसका मैंने लोगो बनाया है इसे देख ले और थोड़ी सी अप्रिसिएशन मिल जाए मुझे। और होपफुली ये वीडियो इस सीरीज का आखिरी वीडियो, क्योंकि मुझे भाई आर्ट से रिलेटेड वीडियो भी बनाने हैं। मैं सिर्फ फोटोशॉप में यूज करूंगा। तो चलो इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं। बाय 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 बाय।